हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट. इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज फर्स्ट ए विच आई हैव गिवन यू इन होमवर्क. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यूमेरल्स इनके लिए लिखने हैं. जो भी आपको नंबर दे रखे हैं इनके लिए न्यूमेरल्स लिखने हैं. तो कल हमने आपको एक प्लेस वैल्यू चार्ट बताया था. तो यहाँ पे जैसे कि आप नंबर देख रहे हैं करोड़ लाख इसमें दे रखे हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ करना है. तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ करने के लिए हम उसको लेते हैं. देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट जो करा है 9018. तो हम अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में देखेंगे 1000 हमारा जहाँ पे लिखा है वहाँ पे लिखेंगे 9, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रखा है 9000, यानी कि जो 1000 प्लेस पे है वो है 9000 पे हम लिखेंगे 9. उसके अलावा 18, तो हमें पता है 18 जो होता है हमारा टेंस नंबर होता है, यानी कि 110 की प्लेस पे आ सकता है. और 100 पे यहाँ पे कुछ बोल नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये नल है. यहाँ पे 0 लिखेंगे तो जो हमारा नंबर फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा 9018. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका 7th पार्ट देखेंगे. 12 करोड़, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, करोड़ में 12 डालेंगे. 12 करोड़ 12 लाख 12 लाख 12000 12000 एंड 12. यहाँ पे भी 100 में हमें कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पे भी हम 0 लिखेंगे. तो हमारा जो नंबर फॉर्म होगा वो कुछ इस तरह से होगा 12 करोड़ 12 लाख 12000 एंड 12. आई होप आप समझ गए होंगे. आगे के क्वेश्चन आप इसमें खुद सॉल्व कर लीजिएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स. इसका भी हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे. तो हम देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है. जो भी डिजिट्स लिखी हुई हैं उनको हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट में फिल कर लेंगे. तो हमें पता है हम राइट से शुरू करते हैं. 5 0 0 3 एंड 6, ये हमारा लास्ट गया है 10000 तक. तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 1 10 100 1000 10000. हमें पता है 1000 10000 या लैख 10 लैख, करोड़ 10 करोड़ एक साथ पढ़े जाते हैं. तो इसको हम लिखेंगे 63000 और 100 और टेंस में कुछ है नहीं, तो सीधे 5 63000 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अगर हम देखें, 5th क्वेश्चन देखेंगे, इसे भी हम राइट से फिल करना शुरू करेंगे. 4 0 6 3 0 0 1 एंड 5. तो हम ये देखते हैं हमारा जो नंबर है वो करोड़ तक पहुंच गया है. देख पा रहे हैं आप, इसे हम पढ़ेंगे 5 करोड़ 10 लाख. अब 10000 में कुछ नहीं है, तो सिर्फ 1000 पढ़ेंगे, 3604 लिख लेते हैं इसको. 5 करोड़ 10 लाख 3604. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd. यहाँ पे कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसका पहले प्लेस देखना पड़ता है. जैसे अगर हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें तो 15768, हमें मालूम है 8 का जो प्लेस है वो 1 है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 8. 6 का जो प्लेस है वो 10 है, तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 10 60. 7 का जो प्लेस है वो 100 है, तो हम इसका मल्टीप्लाई 100 से करेंगे. 7 का 100 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 700. 5 का जो प्लेस है वो 1000 है, तो 5 का मल्टीप्लाई हम 1000 से करेंगे, 5000. और 1 का प्लेस जो है वो 10000 है, तो हम इस 1 का मल्टीप्लाई 10000 से करेंगे. ये हो गया हमारा 10000. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे नीचे से लिखना शुरू कर देंगे. 10000 प्लस 5000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 8.
दिस इज़ योर एक्सपेंडेड नोटेशन, ये एक्सपेंडेड फॉर्म। इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका। देखिए 9,10,10,510। अब अगर हम इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन निकालें तो ज़ीरो का जो प्लेस है हमारा वो वन से, तो इसका मतलब हम वन का मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे, ज़ीरो। वन का जो प्लेस है वो हमारा टेंस, तो वन मल्टीप्लाई टेन यानी कि टेन। फाइव का जो प्लेस है वो हमारा हंड्रेड है, तो फाइव का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, हंड्रेड से, 500। उसके बाद फिर ये ज़ीरो, इस ज़ीरो का मल्टीप्लाई हम थाउजेंड से करेंगे क्योंकि इसका प्लेस जो है वो थाउजेंड से, ज़ीरो। उसके बाद इस वन का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से क्योंकि इसका प्लेस 10,000 है, ये ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि हमें पता है ज़ीरो का मल्टीप्लाई हम किसी नंबर से करते हैं तो आंसर हमारा ज़ीरो ही रहता है। इस ज़ीरो का जो प्लेस है वो है हमारा लैक, इस ज़ीरो का मल्टीप्लाई करेंगे लैक से, फिर भी ये ज़ीरो रहेगा। इस वन का मल्टीप्लाई करेंगे 10 लैक से, ये भी ज़ीरो रहेगा। इस 9 का मल्टीप्लाई करेंगे हम करोड़ से, अब इसको हम क्या करेंगे नीचे से लिखना शुरू करेंगे, तो 9 करोड़, ज़ीरो सारे हमें छोड़ देने, 500 प्लस 10, लास्ट वाला हम ज़ीरो चाहे तो लिख सकते हैं, हमें ये भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके आगे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, एंड ऑल वर्क मस्ट बी रिटन इन फेयर कॉपी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसका, ये कह रहा है कि राइट द करस्पॉन्डेंस न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसका न्यूमेरल लिखना है, इसका न्यूमेरल लिखने के लिए भी हमें प्लेस वैल्यू चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका, यहाँ पे हम देखेंगे 6 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 10,000 से, यानी कि 10,000 के प्लेस पे हम किसको लिखेंगे, 6, यानी कि 6 का जो प्लेस है वो 10,000 है। फिर हम देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सिर्फ 1,000 से, तो 1,000 के प्लेस पर 2 लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं 5 का मल्टीप्लाई 100 से हो रहा है, तो 5 लिखेंगे 100 की जगह पे। 10 का मल्टीप्लाई 8 से हो रहा है, यानी कि 10s की जगह पे 8 लिखेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, दैट मीन्स इसका प्लेस 1 से, तो इसको इससे लिखेंगे। ये हमारा करस्पॉन्डिंग न्यूमेरल हो गया 62584, यानी कि 62,584। इसके अलावा इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 4th देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 का मल्टीप्लाई जो है हमारा वो लैक से हो रहा है, तो लैक वाले कॉलम में हम इस 3 को लिखेंगे क्योंकि इसका प्लेस हमारा लैक है। 4 का मल्टीप्लाई 10,000 से हो रहा है, तो 10,000 वाले प्लेस पे हम लिखेंगे 4। 6 का मल्टीप्लाई हमारा 1,000 से हो रहा है, तो हम 1,000 वाले प्लेस पे 6 लिखेंगे। और 100 का मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है, दैट मीन्स इसका प्लेस 100 है, तो 5। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि 10 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से नहीं हुआ, दैट मीन्स ये जो हमारा कॉलम है वो खाली रह जाएगा, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। और 1 का मल्टीप्लाई 7 से हो रहा है, तो 1s के प्लेस पे हम 7 लिखेंगे, तो इसका जो करस्पॉन्डेंस न्यूमेरल होगा वो होगा 3,46,507। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, आप इतना प्रैक्टिस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।